हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, जब भी हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि जो प्रोटीन है वो तो सिर्फ जिम जाने वाले लोगों को ही लेना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोटीन हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां बनती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारे नेल्स और हमारे बाल बने हुए हैं। और आप सोचिए कि अगर हम उसी प्रोटीन को नज़रअंदाज कर दें तो उसकी वजह से हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नेल्स और हमारी जो मसल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या बेसिक फंक्शन है प्रोटीन का और किस तरह से प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको थोड़ा सा काम करके ही थकान हो जाती है, आप चिड़चिड़ापन का शिकार हो चुके हैं, आपको लगता है आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपके बाल जो हैं वो डिटोरिएट कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो लटक गई हैं, उनके अंदर टोनिंग इफेक्ट नहीं है, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने इन सभी के सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम खाने की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा खाना संतुलित होना चाहिए, मतलब हमारा खाना बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड खाना किसे कहते हैं? बैलेंस्ड खाना हम उसे कहते हैं जिसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर और वाटर, ये सातों की सातों चीज़ें बराबर मात्रा में, मतलब कि समुचित मात्रा के अंदर हों। अगर इन सातों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कम होती चली जाती है तो उसकी वजह से ये बैलेंस्ड डाइट डिसबैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड डाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज अगर हम अपनी दिनचर्या की बात करें तो हमारी दिनचर्या में हम रोटी या दाल खाते हैं या फिर चावल या दाल खाते हैं। सो उस सिचुएशन में रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, लेकिन दाल क्योंकि हमने बहुत थोड़ी खाई या अगर ज़्यादा भी खाई तो उसमें पानी ज़्यादा था, दाल कम थी, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं हो पाती है। और आज भी इस देश के अंदर सिर्फ 23% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो कि नॉनवेज से अपनी प्रोटीन की डिमांड को पूरी करते हैं, लेकिन आज भी 77% लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने के लिए प्योरली वेजिटेरियन सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम जैसे 30+ के होते हैं, 35 के ऊपर जाते हैं, हमारी मसल्स के अंदर जो सैगिंग इफेक्ट है वो आना शुरू हो जाता है, हमारी मसल्स लूज होने लगती हैं और हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है और हमारी मसल्स के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। और यही एक ऐसा समय होता है जब वेजिटेरियंस को, चाहे वो जिम जाएं या नहीं जाएं, अपनी डाइट के अंदर एक सप्लीमेंट जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट होता है उसे जरूर शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन जब भी हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसे सप्लीमेंट की जरूरत होती है या एक ऐसे सप्लीमेंट का सिलेक्शन करना चाहिए जिसके अंदर वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन और स्किम्ड मिल्क प्रोटीन, इन तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि अगर इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो एक तरह का प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि कॉम्बिनेशन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको एचके वाइटल्स का प्रोटीन अप जो एक्टिव है वो अपने रूटीन में जरूर ट्राई करना चाहिए। ये जो एचके वाइटल्स का प्रोटीन अप एक्टिव है, ये ना सिर्फ आपके प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है, बल्कि इसके अंदर 20 ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का समावेश किया गया है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाओं की टूट फूट हो रही है, आपके
आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं वापस से रिजुविनेट होकर के रिसाइकल नहीं हो रही हैं और जिसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर सैगिंग आ रही है, हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ रही है, इन सबको ठीक करने में ये HK Vitals का प्रोटीन अप एक्टिव पाउडर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का भी कॉम्बिनेशन किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके शरीर के अंदर जो टायर्डनेस है, आपके शरीर के अंदर जो लिथार्जीनेस है, आपके शरीर के अंदर जो अनएक्टिवनेस है उसको वापस से एक्टिवनेस में कन्वर्ट करने के लिए। और जिस तरह से आप कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहा करते थे, वो सब कुछ एक्टिवनेस एंड अलर्टनेस लाने में आपका ये HK Vitals का प्रोटीन अप एक्टिव आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं अपने रूटीन में इसे ले रहा हूँ एंड पिछले 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हालांकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मैं अच्छी डाइट का रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ, एक्सरसाइज भी रेगुलर करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता था कि पूरा दिन भर काम करने के बाद शाम को थोड़ा सा टायर्ड हो जाते थे, तो वहाँ पर ये प्रोटीन अप एक्टिव मुझे बहुत ज़्यादा शाम को भी अलर्ट रखता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये उतना ही ज़्यादा मददगार साबित होगा जैसे इसने मुझे अपने रूटीन को एनर्जेटिक बनाने में मदद की है। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी मांसपेशियों में होने वाले दर्द, उसके अंदर होने वाली किसी भी तरह की जकड़न, अकड़न या क्रैम्प से परेशान हैं, या फिर आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, आप किसी भी तरह से थोड़े से लेथार्जी, थोड़े से लेजी होते जा रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको HK Vitals के इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसे परचेज करने का लिंक और साथ के साथ डिस्काउंट कोड मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं एंड डिस्काउंट का तो बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं। HK Vitals जो है वो हेल्थ कार्ड का ही एक बेहतरीन ब्रांड है जो कि अपने आप में प्रूवन है हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट सप्लीमेंट्स को सप्लाई करने के लिए। सो मेक श्योर कि आज से ही अपने रूटीन के अंदर HK Vitals के इस प्रोटीन अप एक्टिव को जरूर शामिल करें। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं दूध या पानी के साथ में। इसके साथ आपको शेकर भी मिलता है जिसके साथ आप बना करके इसे बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। महिलाएं हो या पुरुष इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।